इस दुनिया में हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो या जाति का। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर बाहरी दिखावे में ही रुचि रखते हैं। इसी तर्ज पर एक घटना कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुई है, जब एक किसान अपने दोस्तों के साथ कार शोरूम से बोलेरो पिकअप खरीदने गया था। उन्हें सेल्स एग्जीक्यूटिव ने भगा दिया, जिन्होंने सोचा कि किसान और उसके दोस्त केवल विंडो शॉपिंग करने आए हैं। शोरूम के कर्मचारी ने कथित तौर पर कैंपेगोड़ा आरएल से कहा कि उसके पास उसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, कार के लिए 10 लाख रुपए तो छोड़ ही दीजिए। इस तरह के कमेंट्स के बाद उन्होंने अपमानित महसूस किया। फिर सभी किसान वहां से चले गए, लेकिन सेल्स एग्जीक्यूटिव को चुनौती दी कि वो और उसके दोस्त 1 घंटे के अंदर ही SUV खरीदने के लिए नकदी के साथ लौटेंगे। उन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव को चुनौती दी कि अगर वो नकदी लाने में कामयाब रहे तो उसी दिन कार की डिलीवरी कर दें। घटना का वीडियो कुछ इंटरनेट यूजर्स ने वायरल किया है। कैंपेगोड़ा ने कहा, मेरे कपड़े और मेरी हालत देखकर उन्हें लगा कि मैं पैसे देने की स्थिति में नहीं हूँ। उनके एक फील्ड ऑफिसर ने मुझसे कहा, आपके पास शायद 10 रुपये भी नहीं हैं, क्या आप ये गाड़ी खरीदेंगे? उन्होंने ये तक कहा कि जो लोग गाड़ी खरीदने आते हैं वो इस तरह से नहीं आते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें अपमानित महसूस हुआ, हमें अपमानित किया गया। मेरे एक चाचा ने सेल्समैन को चुनौती दी कि वो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं और क्या वो तुरंत गाड़ी डिलीवर करेंगे, जिस पर सेल्स एग्जीक्यूटिव ने जवाब दिया कि अगर उन्हें 1/2 घंटे में पूरा नगद मिल जाता है तो वो गाड़ी तुरंत डिलीवर कर देंगे। 30 मिनट बाद किसान 10 लाख रुपए लेकर लौटा और SUV की मांग की, लेकिन सेल्स एग्जीक्यूटिव डिलीवरी नहीं कर सका और 2 दिन का समय मांगा। गुस्साए किसानों ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। तिलक पार्क थाने के पुलिस कर्मचारियों को किसान और उसके दोस्तों को घर वापस जाने के लिए मनाना पड़ा। कैंपेगोड़ा ने कहा कि वो अब कार नहीं खरीदना चाहते हैं और शोरूम से उन्हें और उनके दोस्तों को अपमानित करने के लिए लिखित माफी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।